राजस्थान के जिला दमका थाने के ग्राम गणेश्वर के रहने वाले सोयार देवी के पति की मृत्यु 5 साल पहले बीमारी के चलते हो गई। 65 साल के सोयार द्वारा कुछ दिनों पहले भरण पोषण के लिए दमका थाना SDM कार्यालय में अपील की गई थी। कोर्ट द्वारा मिले नोटिस से बौखलाई तीन बहुओं ने तो हद ही पार कर दी। सोयार देवी को गंदी गंदी गालियां दी और पैर पकड़कर खाट से नीचे गिर दिया। लाठियों से सर पर वार किया और जान से मार देने की धमकी भी दी। डर से सोयार देवी चुप रही। कुछ दिनों से बहुओं ने हद पार कर दी कि पपुलान सोलंकी पत्नी कविता देवी, रतनलाल सोलंकी पत्नी हंसा देवी, राजू सोलंकी पत्नी सीता देवी द्वारा सोयार को SDM ऑफिस से केस वापस लेने के लिए दबाव दे रही हैं। केस वापस नहीं लेने पर जान से मार देने की धमकी देकर चुपचाप रहने के लिए कहा जा रहा है। सोयार देवी कैसे तैसे हिम्मत कर आज SDM ऑफिस पहुंची। SDM साहब को एवं एक्सप्रेस न्यूज भारत को अपना टुकड़ा सुनाया और SDM को हाथ जोड़कर जान की भीख मांगी। सोयार देवी की जान को तीन बहुओं और बेटों द्वारा जान का खतरा बताया, ऐसा उन्होंने सबको बताया। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम द्वारा इस बात की जानकारी ली गई। मौके पर जाकर जानकारी इकट्ठी की कि सोयार देवी के साथ ऐसी घटना घटी थी। फिलहाल सोयार देवी कानून से उचित कार्यवाही व भरण पोषण के लिए सरकार से गुहार लगा रही। मेरा नाम सुप्रिया। और पति का? पति का गुंजा। गाँव कौन सा आपका? राव जी की रानी, ये गणेश सर। हाँ, अच्छा। और आज यहाँ कोर्ट में क्या करने के लिए आए हो? कोर्ट में मेरे 5 बेटा है, वो 65% मांग दे रहा। अच्छा, आपके 5 बच्चे हैं जो आपको पैसे नहीं दे रहे थे, इसका मतलब आप अकेले बना के खा रहे थे क्या आज तक? हाँ, मैंने खर्चा पानी कुछ ही कर लिया। तो आपने आज SDM कार्यालय के अंदर किस चीज़ की अर्जी लगाई थी? आप मैंने धमकी लगाया था, तुम जान से मार दूंगा। अच्छा, आपको धमकी दी गई थी जान से मारने की? हाथ पग तोड़ दिया। कौन, किसने दी धमकी आपको? तीन चार कौन कौन थे मतलब आपको धमकी देने वाले? एक तो रतन कर, एक राधू कर, एक पप्पू कर। अच्छा, नहीं तो आपको जो आपके जैसे बच्चे हैं, कितने लड़के हैं आपके? 5 हैं। तो इसमें धमकी देने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग है। तो आपके घर पे आपके साथ में जो मारपीट की है, आपको जो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो कौन कौन दे रहे हैं? कौन? तीनों। तो उसकी आपने जैसे बताया कि पुत्र वधु भी हैं जो उनकी घरवाली हैं, वो भी धमकी दे रही हैं आपको मारने की कोशिश कर रही हैं? हाँ, बस। तो वो क्या बोलते हैं आपको? मैंने गाल गलो भी दे रही थी। हाँ, और मार देंगे राम ने। अच्छा, कोर्ट कहीं देखा बड़ी भगना। तो ये धमकी क्यों दे रहे हैं आपने यहाँ पर? जो SDM कार्यालय के अंदर भरण पोषण का जो आपने इनके ऊपर कोर्ट में केस दायर किया है, तो उस वजह से दे रहे हैं या फिर और कोई बात है? तो मेरा आदमी ने मरिया, मेरा साल होगी तो मांगने मांगू को मांगू। अच्छा, आपके पति को खत्म हुए मतलब मृत्यु हुए उनके 7 साल हो गए, आपको कोई खर्चा नहीं दे रहा था आपका भरण पोषण के लिए? हाँ। तो इस वजह से आपने SDM कार्यालय के अंदर अपील किए और आपकी पुत्र वधु हैं और आपके जो बेटे हैं, 3 बेटे हैं जो आपको मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ। तो अब आप ये चाहते हैं कि आपका भरण पोषण का जो खर्चा है, हाँ, वो आपको दिया जाए और आपको न्याय मिला जाए। और ये जो SDM कार्यालय में आज आप दोबारा से आए हैं, हाँ, तो आपको सिर्फ भरण पोषण का जो अपना पैसा चाहिए खाली। हाँ, और जो धमकी देने वाले हैं आपके जो पुत्र वधु हैं और पुत्र हैं 3, वो आपको धमकियाँ दे रहे हैं। तो पुत्र वधु कौन कौन थी जो आपको धमकी दी है और आपके साथ में जो मारपीट की है? रतन कर, राजू कर, पप्पू कर। नाम बताओ, नाम क्या है इनका? राजू, रतन, पप्पू। ये तो आपके बेटे हो गए। हाँ, रतन बुढ़ी तो बा इंसाफ है, जैसे छोटी बात है कविता से, और जैसे छोटी से सीता। अच्छा, ये लोग आपको घर पे जाके मारपीट की आपके साथ में? हाँ। और क्या बोले आपको, ये क्या बोले? तेरा हाथ पग तोड़ खाट में गिर देंगे। तो आपके साथ में मारपीट भी की थी इन लोगों ने? हाँ, मारपीट भी। मैंने तो जिस दिन से 20 तारीख से घर का रोज का था, दिन से मारी तो आपको नहीं पता नहीं। अच्छा, मारी नहीं, बाकी छोड़ी नहीं? हाँ, बाकी। चलो ठीक है। एक तो कौन था, दो बताओ? रतन और एक पावर थाला पप्पू। अच्छा, इसकी घराड़ी है सीता। हाँ, और वो अंशा देवी, और एक कविता है। अच्छा अच्छा
मारने की धमकी दे रहे। अच्छा, इनके दादी के साथ में कौन कौन मारपीट किया था? भाई दो तीन जना है भाई, तो ऐसे कह रहे हैं मार के डोकरी को खाट में गिर के जाएंगे। एक तो बकरी था, तीन उन्होंने इनको धमकी दी है कि मार के खाट में डाल के चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो इनके साथ में इनको मारा पीटा भी है क्या? मारा पीटी करी, अब देखो मेरा आदमी खाट में पड़ा है, थोड़ा ध्यान करे इसका, जब मार भी दे तो दादी जी आपके पास में रह रहे हैं अभी फिलहाल? मेरे पास में रह। तो इनका जो भरण पोषण का जो मुद्दा चल रहा है वो एसडीएम के पास में, तो उस बारे में ही इनके साथ में लड़ाई है या कोई घर के मुद्दा है? इसके साथ नहीं। अच्छा, इनके साथ में जो भरण पोषण का जो मुद्दा चल रहा है एसडीएम कार्यालय में, उस बात को लेके इनकी बहुएं जो हैं तीन, वो लड़ाई दंगा करके इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इनके साथ में मारपीट की जा रही है। ठीक है।